papà, mes sul nou, mes sul nou! Are cadere tunere! हेलो 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 नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, डीके मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं यहां। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो छे यार। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन, मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक, आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए, क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। बकवास बंद कर और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मौत! नहीं नहीं, मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। आ, दबा दिया। आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। ठीक से सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्यूल मीटर पर इंडिकेशन देखिए। थैंक गॉड, यहाँ पे रेड लाइट चालू है। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। चाहो ना चाहो, एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे कभी दूर नहीं रहती। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है। हमें मौत से छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत हमें कहीं भी ढूंढ सकती है। क्या बात? अबे पागल होगा क्या? अबे हेल्प मांग रहे हो कि जान मांग रहे हो? अबे मैंने थोड़ी तुम्हें प्लेन में बिठाया यार। अबे हम भी तो हैं जो किसी की हेल्प नहीं मिलते, और तुम क्यों करते हो ऐसा काम कि किसी की हेल्प मांगने की जरूरत है? ए ए ए ए सा ए साजा।